लैंडस्लाइड की वजह से पूरा बंद पड़ा है, लेकिन अभी खुल गया है ये जगह में भी। जहाँ पे रोड डिस्टर्ब था वो यही वाला था, रोड ब्लॉक है। और ये लड़का लोग कहीं पर भी ओवरटेक कर रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल। आज मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, क्योंकि जो NH10 बहुत दिनों से बंद था आज वो खुल गया है, तो आज देखने जा रहा हूँ। तो NH10 होके ही जाएंगे। और अभी मैं गैंगटॉक से जस्ट निकला हूँ, रानीपुल क्रॉस कर लिया और थोड़ा स्ट्रेस होने के कारण से स्ट्रेस कम करने के लिए आया था, लेकिन मेरे साथ पीछे बैठा है, देखा है था साथ में आ गया कैमरा मैन, हेलो कर देना, हेलो करना मैंने वो सुनाई नहीं दिया लड़की को। चलो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं अभी आपको आगे रास्ते में, थोड़ा दिखाएंगे रास्ता कैसा है अभी सिलीगुड़ी जाने का। सिक्किम से घुस गए टनल, अभी 12 बजने वाले हैं और मौसम भी थोड़ा बिगड़ रहा है। और हम पहुंच गए सिक्किम बॉर्डर, पता नहीं किसी चीज़ का चेकिंग हो रहा है इधर। सिलीगुड़ी 76 किलोमीटर यहाँ से, और ये है अटल ब्रिज, इसको क्रॉस करते ही हम पहुंचेंगे वेस्ट बंगाल। तो कर लेते हैं क्रॉस। स्पीड अच्छा है, ट्वेंटी तक भगा दिया अटल टनल में, सॉरी अटल ब्रिज में। यहाँ पर रास्ता थोड़ा छोटा है, हाईवे छोटा है, गाड़ी बड़ा बड़ा ट्रक का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, तो आराम से चलाना है भाई। और नीचे टिस्टा रिवर का लेवल भी बढ़ गया है भाई, टिस्टा रिवर का लेवल बढ़ गया, मज़े ही मज़े। टाटा ने धूल उड़ा दिया, मज़े ही मज़े। गाड़ी कितना स्लो जा रहा है, फिर मजे ही मजे। ओवरटेक करने के टाइम में थोड़ा स्पीड देना पड़ता है ना, पता नहीं क्या कर रहा है। हर तरफ रास्ता ब्लॉक है, बाल बाल बच गया। अगर थोड़ा स्पीड में होता तो फिर हो जाता कोलिजन, तो यही प्रॉब्लम रहता है इधर पे। नेक्स्ट टर्न पे रोड का कंडीशन कैसा है वो पता नहीं चलता, तो थोड़ा संभल के जाना है, कॉशियसली चलाना है।
भूख भी लगने लगा है। अब भूख कुछ तो खाना पड़ेगा। अभी जस्ट मल्ली क्रॉस कर लिया और यहाँ पर रास्ते का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड की वजह से पूरा बंद पड़ा है, लेकिन अभी खुल गया है ये जगह में भी। अभी भी आगे होगा दो तीन ऐसा जगह जहाँ पर थोड़ा रिस्की वाला रोड है और नीचे टिस्टा बह रहा है। फुल स्पीड में मज़े ही मज़े। रास्ता पूरा मिट्टी मिट्टी है और थोड़ा स्लिपरी होता है ऐसे में, तो थोड़ा संभल के जाना पड़ता है भाई। और आगे टिस्टा बाजार पहुंचने वाले हैं हम लोग। अभी हम पहुंच गए टिस्टा ब्रिज, नीचे है टिस्टा रिवर और ये ब्रिज है टिस्टा ब्रिज। और यहीं से कौशंग दार्जिलिंग जाने का रास्ता भी है आगे से। और प्रीवियसली NH10 यहीं तक ही खुला था, तो अभी यहाँ से आगे का हालत क्या है वो देखते हैं। ये टिस्टा बाजार छोटा सा मार्केट है, सब्जी मिल जाता है ऑर्गेनिक। और आज भी टिस्टा रिवर का फ्लो बहुत ही भयंकर है भाई, कलर चेंज हो गया, पूरा मडी हो गया है कलर। यस, यहाँ से अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो दार्जिलिंग कौशंग पहुँचेगा, लेकिन सिलीगुड़ी के लिए हमें जाना है स्ट्रेट। और देख सकते हैं टिस्टा एकदम रोड के सामने ही है। हाँ, और अभी वाटर लेवल थोड़ा बढ़ गया है ऊपर। और आगे का रोड कंडीशन कैसा है उसका भी थोड़ा अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए अंदाजा लगा पाना। हाँ, बहुत ही पुराना गाड़ी चल रहा है अभी इधर, बहुत दिनों बाद दिख रहा हूँ ये वाला गाड़ी। कमांडर, ये गाड़ी का नाम कमांडर है। ये गाड़ी साइड नहीं दे रहा है सारा। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है इधर, ऑफ रोडिंग नहीं प्लस। हाँ, अब आ गया फिर, विजिबिलिटी जीरो, ऐसा धूल उड़ रहा है, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रोड में बहुत सारा क्रैक्स आया है अभी और फ्यूचर में ये सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि सिंकिंग हो रहा है भाई रोड। रोड सब सिंक हो रहा है। पहला ऐसा नहीं था ये रोड, अच्छा रास्ता था, दो डबल लेन था, डबल लेन दो रास्ता आराम से दो गाड़ी आराम से चल सकता था, लेकिन अभी पूरा सिंक हो गया है नीचे टिस्टा रिवर पर।
और रोड का ब्रेथ थोड़ा गड़ गया, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। और यहाँ पर क्या है, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जैसा हो रहा है भाई। स्प्रिट ब्रेकर बना दिया इतना बड़ा बड़ा। यहाँ से पूरा लैंडस्लाइड हुआ है नीचे रिवर तक, और अभी भी थोड़ा सिंकिंग हो रहा है उधर पे, तो फ्यूचर अच्छा नहीं है ये रास्ते का, बिगड़ जाएगा पूरा। अभी बारिश नहीं हो रहा है तो इसलिए रुका है ये, बारिश होने से फिर ये सिंक होना शुरू हो जाएगा भाई। लेकिन मौसम बढ़िया है और जंगलों के बीच से बाइक चलाना अच्छा होता है, मौसम थोड़ा चिल टाइप का रहता है, उतना गर्मी भी नहीं उतना ठंड भी नहीं, एकदम चिल, मज़े ही मज़े टाइप के चिल। अभी पहुंच गया जो मेन रोड, मेन पॉइंट जहां पे रोड डिस्टर्ब था वो यही वाला था, और देख सकते हैं यहां से नीचे पूरा डिस्टर्ब रोड दिख रहा है। और आगे से पूरा टूट गया है, और आगे भी और दो पॉइंट है काली जोड़ा के पास, वहाँ पर भी बहुत डिस्टर्ब है रोड, इसी टाइप का रोड कंडीशन है। तो अभी देखते हैं आगे की स्टेटस कैसा है अभी। और यहाँ पर भी रोड थोड़ा ख़राब है और रोड थोड़ा नैरो भी है, अगर बारिश हुआ तो यहाँ पर फिर बिगड़ने का चांसेस है। लेकिन यहाँ से नज़ारा बहुत बढ़िया दिख रहा है। फिर ट्रेन क्रॉसिंग हो रहा है इसीलिए रोड ब्लॉक है। तो अभी रेलवे गेट जो लीक था उधर क्रॉसिंग हो गया, और एंटर कर रहा है सिबोक। कचरा क्यों फेंक रहा है गाड़ी से, तो बेंगल में थोड़ा ट्रैफिक डिसिप्लिन बहुत ही पुअर है, ट्रैफिक में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते ये लोग, कुछ भी हो कचरा फेंक देते हैं रोड पे ऐसे ही। और ये लड़का लोग कहीं पर भी ओवरटेक कर रहा है, से लगता है नया गाड़ी है ये लोगों का, नंबर प्लेट भी अभी तक नहीं लगाया सही से। देखो यहाँ पर कहीं पर भी गाड़ी रोक देता है बीच में। अब थोड़ा ठंडा हो रहा है, ठंडा थोड़ा कूल हो रहा है वेदर, और यहाँ पर गाड़ी का स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि प्लेन साइड है, रास्ता एकदम सीधा है, तो स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सिबोक, यही है सिबोक रोड, रास्ता होने के वजह से थोड़ा रिस्की भी है यहाँ पर,
कहीं से भी गाड़ी ओवरटेक कर लेता है तो थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा इधर पे। और अभी बाइक का स्पीड है 100, 100 की स्पीड पे भाग रहा है और थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा क्योंकि स्पीड ब्रेकर भी बहुत सारा लगा है ये रोड में, तो वही होता है। आर्मी गाड़ी का मूवमेंट चल रहा है अभी, तो ओवरटेक करना थोड़ा मुश्किल है। कॉन्वॉय जा रहा है पूरा आर्मी का। ऊपर से ये बोले वो सही से, हाँ चेकिंग भी है, फिर थोड़ा काम कर लेता हूँ। तो अभी पहुँच गया है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी नहीं सिलीगुड़ी से पहुंचने वाला है। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एशियन हाईवे का काम चल रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है बागडोगरा जाने के लिए और रोड थोड़ा खाली है। चिबोक मोड़ हम लोग क्रॉस कर लिया, अब चिबोक से आगे जा रहा हूँ सिलीगुड़ी की तरफ। तो अभी पहुंच गए इधर, ये रहा छोटू। दिस इज द एंड ऑफ दिस ब्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।